पाटन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमर पाटन की, जहां पर बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है, इलाज वहां पर उनका चल रहा है। अमर पाटन की तस्वीरें, जहां पर जुड़मनिया रोड के पास में बाइक की टक्कर हुई है और इसके बाद वहां पर तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गई हैं, सिविल हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दो गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तीन लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। जुड़मनिया रोड के पास में यह हादसा हुआ है, घटना हुई है, जिसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, इलाज के लिए उनको भर्ती करवाया गया है। दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ी हैं और उसके बाद तीन लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, भेजा गया है। अमर पाटन की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो लोग घायल हुए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बाइक है जिससे एक्सीडेंट हुआ है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, राज्यपाल से मिलने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है उन्होंने। सीएम योगी ने राज्यपाल को पुस्तक भी भेंट की है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है, इसको लेकर आज ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्यप्रदेश से वापस लौटी हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ तुरंत ही उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है, राजनीतिक तौर पर जो उथल पुथल मची हुई है, इसके तहत ये मुलाकात हो रही है, लेकिन औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो तस्वीर है वो ये है कि आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। और अजय सिन्हा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंचते हैं, वो जैसे ही वापस आती हैं, क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के मद्देनजर? देखिए, अगर राज्यपाल मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आई हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने गए हैं, तो एक औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि बड़ा राजनीतिक उथल पुथल उत्तर प्रदेश में हो सकता है। कई चेहरे जो हैं, जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनकी छुट्टी की जा सकती है। कई नए चेहरे ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लगातार हम अपने चैनल पर बता रहे हैं कि जो AK शर्मा है, जो पूर्व नौकरशाह थे, इस समय MLC हैं, और नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके काफ़ी जो है खास हैं, क्लोज रहे हैं, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ बता रहे हैं कि AK शर्मा को उत्तर प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और सबसे ज्यादा नजरें जो लगी हुई हैं वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे लगी हुई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर केंद्रीय संगठन, आपको बता दें, केंद्रीय संगठन लगातार उत्तर प्रदेश में नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करना उसके लिए कितना जरूरी है। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, वो उत्तर प्रदेश के हिस्से में आती हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय संगठन कहीं से भी अपनी सत्ता उत्तर प्रदेश की, जो उसके हाथ में है, वो नहीं जाने देना चाहता है। लगातार केंद्रीय संगठन ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से जो भी कमजोरी, जो भी कमी नजर आ रही है के मंत्रिमंडल में, सरकार में, उसको दूर करके उसको दुरुस्त किया। लगातार राजनीतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश में हम हलचल देख पा रहे हैं। सरकार और जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कितना सच है, कितना झूठ है, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम बातचीत के लिए।